और मेरे पढ़ा को बच्चों कैसे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स तो बेटा हम लोग आज जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मेन जो होता है वो मैग्नीफाइंग पावर होता है। ठीक है, आप मैग्नीफाइंग पावर को आप एक लेंस के लिए मिरर के हिसाब से आप लभ-लभू से मैग्नीफिकेशन कह सकते थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो एंगल से रिलेटेड होता है, इसलिए इसे अलग वर्ड बोल देते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर को हम एमपी से लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ये क्या होता है? ये होता है बेटा बीटा बाय अल्फा। अच्छा, बीटा का मतलब क्या होता है? विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे कोई मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय अल्फा। अल्फा क्या होता है बेटा? दैट इज मैक्सिमम एंगल विथ अनएडेड आई। ठीक है, मैक्सिमम एंगल विथ अनएडेड आई। अनएडेड आई मतलब जो कोई इंस्ट्रूमेंट आंख के सामने रखा हो तो उस समय मैक्सिमम एंगल वो कितना बना सकता है। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं मतलब ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बीटा तो हम जब इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे तब देखेंगे, अल्फा जो है वो क्या होगा वो देख लीजिए। हर केस में जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये आँख है यहाँ पे, ठीक है बेटा, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट। अब सोच के देखिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो आँख पे मैक्सिमम एंगल बनाए और ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो, तो वो मिनिमम जब हम जितना पास लेते जाएंगे, जैसे सोचिए जब मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट तो कुछ एंगल बना रहा होगा, आप और आगे ले जाइए एंगल और बढ़ेगा, आप और ले जाएंगे तो एंगल और बढ़ेगा, यानी कि इसका एंगल मैक्सिमम इस आँख पे तब बनेगा जब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, मतलब वो डिस्टेंस जो मिनिमम हो और जिस पे क्लियरली विजिबल हो कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कैपिटल डी होगा और ये आँख पे मान लीजिए एंगल बनाता है, ये इसी को बोलेंगे अल्फा बेटा। ये डी क्या है? डी इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यही 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम अल्फा की बात करें बेटा तो अल्फा जो होगा वो अल्फा मतलब ये देखो अल्फा कितना भी हो ये सब एंगल बहुत छोटा होता है, तो अल्फा मतलब होगा 10 अल्फा, और 10 अल्फा मतलब कितना हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है बेटा, तो दिस इज अल्फा, और बीटा हम जब होगा वो उस समय निकालेंगे। ठीक है बेटा, और एक क्लियर हो गया कि जो अल्फा है दैट इज मैक्सिमम एंगल, तो वो दोनों केस में तो सिंपल माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दोनों केस में जो अल्फा होगा वो इतना ही होगा, तो इसलिए हमने इसे एक बार निकाल लिया और उसे सीधे वहां पे पुट कर देंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ।
देखिए अब आएगा आपका बेटा अब आपका आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप, अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब ये हो गया कि एक कॉन्वेक्स लेंस, इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ए सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, ये ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है बेटा, तो इसका देखिए इसका मेन होता है जो डायग्राम, डायग्राम हम पहले बनाते हैं आपको, डायग्राम थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो ये हमने कहा मान लीजिए ऑप्टिकल बेंच जो भी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहां पे एक हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ठीक है, तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, यहां से आप एक रे निकाली, अच्छा अब तरीका आपको यही मैंने बता दें, एक रे निकला जो यहां और यहां से पास कर रही है ये ऐसे। ठीक है, और इसी रे को पीछे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इस वाले पॉइंट पे यहां पे इमेज बनाना चाहते हैं, तो यहां बना दीजिए। देखो मैं बोल रहा हूं दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, और दिस इज इमेज ए वन बी वन। ठीक है, ये हमने कहा ये ओ है, अगला रे क्या करिए एक रे आप सीधे निकालिए, ठीक है, बीच तक लेके आइए यहां पे। ठीक है, उसके बाद क्या करिए इसे और इसे मिलाइए डॉटेड लाइन से। ठीक है, और इसके बाद इसे आगे बढ़ा दीजिए, ये वाला जो पॉइंट होगा यही फोकस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तरीका है मतलब ये ऐसे बनाने का, एक बार में आपसे इमेज बन जाएगा। ठीक है, दिस इज, अब देखो ध्यान से यहां पे क्या होगा कि जो इमेज है वो आंख पे, मान लो आंख कहीं यहां होती, आंख कहीं यहां होती, मतलब यहां पे कहीं आंख होगी। ठीक है, यह आंख बनाना जरूर नहीं है लेकिन देखा यहां पे कहीं आंख होगी, तो आंख पे ये जो एंगल होगा ना बेटा दिस इज बीटा, तो ये एंगल बीटा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा बीटा। क्लियर है? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो लेंस होती है इसको क्या लिखते हैं बेटा, इसको यू लिखते हैं। ठीक है, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है इसको क्या लिखते हैं, इसको वी लिखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम से हम क्लियरली देखो अल्फा हम पता है, अल्फा मैं सबसे पहले लिख देता हूं, अल्फा कितना आया था बेटा ए बी बाई डी, वो तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, यहां पे बीटा की बात करें, बीटा क्या होता हम यहां से इस डायग्राम से देखते हैं, फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम से क्या हो जाएगा जो बीटा होगा वो क्या होगा ए वन बी वन बाई वी, आपको देख रहा होगा ए वन बी वन बाई वी दैट इज बीटा, या डायग्राम से आप ये भी लिख सकते थे ए बी बाई यू, अब यू हमें पता होता है इसलिए हम यू यही वाली चीज लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट बीटा कितना हो गया ए बी बाई यू हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी कटना था तो अल्फा में ए बी आता इसलिए कट जाएगा, तो इसलिए देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा बेटा, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, बीटा कितना है ए बी बाई यू डिवाइडेड बाई अल्फा कितना है ए बी बाई डी।
ठीक है बेटा, यहाँ से ए बी, ए बी कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट आप कह सकते थे कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आ जाएगा डी बाई यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा बेटा कि हमें देख के समझ में आ रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हम मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, इसे मिटाता हूँ। ठीक है, देखिए तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ही दो केसेस बनते हैं। एक होता है पहला कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसी को हम फार पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसी को हम फार पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके लिए जो इमेज होता है, इसके लिए जो इमेज बनता है वो वी कहां पे बनता है बेटा, इनफाइनाइट पे। अब जैसे ही आपको पता है कि अगर इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, फोकस पे, फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसलिए मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया, आपको अभी हमने देखा था कितना था, डी बाई यू। ठीक है, तो यू कितना बेटा, एफ, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, डी बाई एफ हो गया। ठीक है, इसे याद रखना, अच्छा ये याद रखना कि इस केस में इसी को फार पॉइंट वाले को हम ये भी कह देते हैं, दिस केस इज ऑल्सो नोन एज इमेज इन नॉर्मल, इमेज इन नॉर्मल पोजिशन। ठीक है, और इन रिलैक्स्ड आई। ठीक है, और अनस्ट्रेंड आई और लीस्ट स्ट्रेंड आई। तो आप समझ रहे हैं, इसमें से कोई वर्ड यूज कर ले, वो बोल दे कि रिलैक्स्ड आई के लिए इमेज बन रहा है, या अनस्ट्रेंड आई के लिए इमेज बन रहा है, या नॉर्मल पोजीशन के लिए इमेज बन रहा है, या लीस्ट स्ट्रेंड आई के लिए इमेज बन रहा है, या फार पॉइंट पे बन रहा है, या इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो सबका मतलब यही केस कह रहा है। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटाता हूँ इसे। ये पहला केस हो गया,
दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है कि केस की इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इसी को हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसी को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें याद रखना, ये नियर पॉइंट हो गया। तो अगर इसकी हम बात करें बेटा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो इमेज होता है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इमेज कहाँ बनता है, डी पे बनता है। यानी इसका मतलब जो वी है वो कितना हो गया बेटा, माइनस डी। ये याद रखना, तो वी अगर माइनस डी है तो अच्छा फोकल लेंथ तो एफ ही है, तो फॉर्मूला हम पुट करते हैं 1/v लेंस के लिए -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से अगर हम बात करें v 1/-d हो गया, -u। अच्छा u जो है यहाँ पे u जो होगा वो -u ही होगा, क्योंकि हमने हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। ठीक है, तो ये -u हो गया और ये 1/f हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यही करते हैं आगे। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/u, इस d को उधर लेते जाओ कितना आ जाएगा बेटा, ये 1/d +1/f हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया 1/u की वैल्यू। तो इसलिए मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो बीटा बाई अल्फा था, अच्छा सॉरी d बाई यू था, तो d बाई यू 1/u की वैल्यू रख दो कितना, 1/d +1/f। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अब इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाता, 1 + d/f। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आ गया 1 + d/f। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको मैं कई जगह यूज़ करूँगा ट्रिक, मतलब ये अगर याद हो गया तो। फिर से बोल रहा हूँ, अगर फार पॉइंट पे इमेज बन रहा है तो कितना हो जाएगा, d/f हो जाएगा, और अगर नियर पॉइंट पे बन रहा है तो 1 + d/f। इसमें कुछ ये भी देख लो कि नियर पॉइंट वाले को ही बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड फॉर स्ट्रेंड आई ठीक है, डिस्टिंक्ट नियर पॉइंट हो गया। हाँ, तो इमेज फॉर्म फॉर स्ट्रेंड आई, इसको ये भी बोलते हैं। अगर बोल देता है कि स्ट्रेंड आई पे बन रहा है इमेज, तब भी हम यही वाला केस मानेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का हमने दोनों केस कर लिया। अच्छा ये याद रखिएगा कि जब फार पॉइंट है तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो मिनिमम होता है, और नियर पॉइंट के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, मिटा लो बेटा। एक नोट लिख लेते हैं बेटा, नोट क्या है, ठीक है, कि नोट में ये कि जो एट, मतलब देखो फार पॉइंट के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है मिनिमम होता है। ठीक है, अच्छा फॉर नियर पॉइंट के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होता है
वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। और सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा हो चुका है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसके फिर अगले लेक्चर में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, इतने रखते हैं बेटा। थैंक यू, बाय बाय।